हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की खबर रोजगार रिलेटेड क्या क्या अपडेट आई है उनको देख लेते हैं। देखिए, आज है 4 अप्रैल 2021, तो आज ही की खबर है कि राजस्थान पत्रिका में ये न्यूज़ जो है आई है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या है रोजगार पत्रिका के जो है नई अपडेट के बारे में। तो देखिए, इसमें नौकरी लगने के बाद भी बेरोजगारी, भत्ता उठाने वालों की होगी छटनी। जो भी ऐसे जो कैंडिडेट हैं जो प्राइवेट या सरकारी नौकरी लग चुके हैं, किसी भी तरीके का जो भी रोज़गार ले रहे हैं, तो वो भी अगर उस भत्ते का जो है लाभ उठा रहे होंगे, तो उनके लिए ये छटनी होने वाली है। तो दोस्त, देखते हैं आगे क्या क्या है। तो रोज़गार विभाग कराएगा प्लेसमेंट। रोज़गार विभाग जो है, एक और अपडेट है कि रोज़गार विभाग प्लेसमेंट करवाएगा जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए। दूसरा अपडेट क्या है, योजना पर अब होंगे 1015 करोड़ रुपए खर्च। तो पहले जो है जितने भी होते थे उस अब कितने होंगे, देखिए आपको दिखाते हैं। यहाँ से लिखा हुआ है सब कुछ। देखिए, 2018 से अभी तक इतनी राशि जारी कीजिए। देखिए, वित्तीय वर्ष 2018-19 में इन्होंने 315 करोड़ रुपए जो है जारी किए थे रोज़गार भत्ता के लिए। फिर 19-20 में ये 349 करोड़ रुपए हो गए थे, यानी हर साल यह बढ़ रहा था। तो फिर 2021-21 में इन्होंने 419 करोड़ कर दिए थे, लेकिन 2021-22 में इन्होंने डबल से यानी दोगुने से भी ज़्यादा किया था। कितना, 1015 करोड़ रुपये इन्होंने जो है बजट में उन्होंने तैयार किया गया था। तो अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। तो ये है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। राजस्थान सरकार जो है, सरकार ने बेरोजगारी भत्ता लेने वाले अभ्यर्थियों की सीमा भले ही बढ़ा दी है, लेकिन अब भत्ता लेने वालों पर रोजगार विभाग पैनी नज़र जमाए रखेगी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का लाभ पात्रता अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा। वहीं नौकरी करने के बाद भी बेरोजगारी भत्ता लेने वालों की बेरोजगारी विभाग की ओर से छटनी की जाएगी। विभाग सरकार की बजट घोषणा के अनुसार अब भत्ता लेने वाले बेरोजगार अभ्यर्थी की ट्रेनिंग भी कराएगा। जो भी ट्रेनिंग कराएगा, उन्होंने प्रशिक्षण की जो बात कही थी, वो अब ट्रेनिंग भी कराएगा। इतना ही नहीं, उनके प्लेसमेंट भी कराएगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय के लिए प्रशिक्षण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाएगा। ऐसे में ये देखा जाएगा कि क्या सभी भत्ता लेने वाले अभ्यर्थी प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, इसका मतलब यही है कि यह जांच करना होता है कि जो भी बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रोजगार से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए। यही सरकार का जो है कंफर्म करने का है। और इसमें क्या है, कुछ ना कुछ विभिन्न विभिन्न विभागों में आपको भेजा जाएगा और आपको प्रशिक्षण किया जाएगा। तो देखिए, ऐसे में नौकरी करने के बाद भी भत्ता ले रहे कर जो भी भत्ता ले रहे हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। विभाग का मानना है कि इस प्रक्रिया से भले भत्ता लेने वाले आधे अभ्यर्थियों बाहर हो जाएंगे, रोजगार विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया की तैयारी कर ली है। तो इस जो है प्रक्रिया, जो भी नया इन्होंने संशोधन किया है, तो इसकी तैयारी हो चुकी है। सरकार के पास अनुमोदन के लिए फाइल भेजी है। इसके बाद संभवतः इसी महीने से कार्य योजना पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कि रोज़गार से रिलेटेड नई अपडेट थी। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें अभी ये थोड़ा क्लियर मेंशन नहीं है कि प्रशिक्षण करना सभी को अनिवार्य है या नहीं है। तो आप वेट करें अगले नोटिस आने तक सरकार का, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में जो है नोटिस जारी कर ये जो योजना है इसको लागू करने वाली है। अब ये जो थी कि पहले 140,000 अभ्यर्थियों को जो है हर साल देना था, अब उन्होंने 160,000 को देना था, तो अब उन्होंने क्या किया है कि 40,000 और बढ़ा दिए हैं। तो अब जो नई योजना है उसके तहत 200,000 जो है लाभार्थी हर साल रोजगार भत्ता ले चुके होंगे। तो अब तक जो है ये था अपडेट। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।